कैसा बना खाना पहले बताओ जल्दी से। चोखा, चोखा तो मस्त बना है। पहली बार बनाया चोखा मैंने, बिहारी चोखा मस्त लग रहा है। बिहारी चोखा मुझे लग रहा है सरसों के तेल का खुशबू अच्छा होता है, टेस्ट अच्छा होता है कच्चे का, है ना? पता नहीं जैसा भी हो अच्छा। चलो बढ़िया। तो यहाँ पे बनने वाली है हमारी रंगोली, जहाँ पे नोरिया के हाथ पड़े, ज्यादा चप्पल भी है, चप्पल नहीं है, ये रंगोली यहाँ पे बनेगी। इधर इधर ये चप्पल, चलो इधर चिपका दिया ना आपने। रुको दो रुको दो रुको दो ना, फिर पूरा का पूरा मोटा ही रखना, छोटा नहीं। पापा क्योंकि घर पे हैं तो काम वाम तो चलेगा ही, होना ही था ये, लेकिन अब हो रहा है। देखो इसमें ना हमारे क्रॉकरी के सामान रखे हैं, यहाँ पर भी है, दो डिब्बे है ना रंधीर यहाँ पर, दो डिब्बे है ना यहाँ पर, और उसमें से निकाल लिए। अच्छा ये वाला जो है ना इस बॉक्स को खाली किया है, इसके अंदर क्रॉकरी था तो वो यहाँ पे लेके आए हैं, और एक जो क्रॉकरी का बड़ा वाला डिब्बा है वो हमने खोल के यूज के लिए अंदर रखा हुआ है बहुत टाइम पहले से। ये देखो इसमें से क्या क्या सामान निकला है, बहुत सारा सामान यहाँ से निकला है। एक चीज और दिखाती हूँ जो हम लोग, ये देखो ये लाइट मिला हमें वहां से, जो हमें दिवाली में याद ही नहीं था कि हमारे पास ये LED की लाइट है और ये जलती है, यही हम लोग मंदिर पे लगा जबरदस्ती का ऐसे ही रखे। आज लग रहा है पूरी सफाई होने वाली जगह बन रही है सारी। खाना बन चुका है, चपाती डिब्बे में बन गई है आप देख सकते हैं। साथ में मैंने बनाया है आज चोखा, आलू का चोखा, क्योंकि आज बहुत दिन बाद सोचा थोड़ा बिहारी खाना खाया जाए। साथ में बना दी है मैंने दाल, और ये माँ छोले की दाल है, और बना है उसके साथ में पत्ता गोभी, आलू की सब्जी। यहाँ पर तैयार हो चुका है चावल, तो ऑलमोस्ट सारा खाना तैयार है। हाँ मैं ये दिखा रही थी आपको, ये देखिए मैंने घर का घी बनाया, अब तो खैर खत्म हो गया काफी सारा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, खुशबू लेके देखो इतना बढ़िया खुशबू आ रहा है, बहुत बढ़िया से। ये मैंने घर पे बनाया था लास्ट वीक बनाया था, अब तो खत्म ऑलमोस्ट होने वाला है। तो खाना सारा हो चुका है, काम सारा हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ मेरे ब्यूटी चैनल का शूट करने, क्योंकि अब बन गए हैं 11 बज चुके हैं, सुबह के 11 बज रहे हैं एक्चुअली। गुड मॉर्निंग है जी, पटाखे अभी भी फूट रहे हैं बाहर। ये अंडे आपको दिख रहे हैं मैंने यहाँ पर लाके क्यों रखे, और आगे ट्रे क्यों है, ताकि ये हम लोग कबूतर से बचा सके, कबूतर कह रही हूँ कौए से बचा सके, क्योंकि मैंने दूसरी वाली विंडो में रखा था, वहां पे जो कौए थे वो आके इसमें से अंडे तोड़ तोड़ के खा खा के जा रहे थे, तो मैंने यहाँ पे छुपा के रखे हैं अंडे, ताकि कौए ना आके खा सके। बाकी यहाँ का सारा काम हो चुका है किचन का, अब मैं जा रही हूँ ब्यूटी चैनल का शूट कर दूं, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा वहां पर देख लें यार, क्योंकि मुझे ना DM आ रहे थे कि मैम आपने 2 दिन से कोई वीडियो ही अपलोड नहीं किया। हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए सामान वगैरह लेने के लिए, थोड़ा सा जो बाकी है अभी, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा सामान लेके आए थे, थोड़ा और लेने जा रहे हैं। और ये नोनी बना रही है रंगोली, आज अकेले बना रही है, कल हम दोनों खुद साथ में बैठ के बनाएंगे दिवाली की, तो छोटी दिवाली की नोनी अपने से बना रही है, बोल रही है मैं खुद बनाऊंगी, ये हमारे सामने वालों की बेटी ने बनाई है रंगोली, वो हर साल ऐसे ही बनाते हैं। तो मार्केट से थोड़ा सामान वगैरह लेना है, कलर है, और रंगोली के थोड़े से और कलर भी बाकी हैं अभी, ये कम है कलर, आवी अपने काम पे लगा है, पापा की वेट कर रही हूँ मैं बाहर खड़ी हूँ कि पापा भी आएंगे फिर हम लोग निकल जाएंगे। ये रे पापा, और चलते हैं हमारे बाजारों में। इतनी ज़्यादा धूमधाम है कि देख के खुद दिल खुश हो जाता है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है भाई ये शॉपिंग वाले दिन जो होते हैं, मार्केट के जो दिन होते हैं, और इतने सारे त्यौहार, मतलब इतना ज़्यादा कलरफुल रहता है हर चीज़, इतनी ज़्यादा खुशी खुशी हर जगह पे, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर दिए मिल रहे हैं, यहाँ पर पीछे एक बहुत सुंदर उसने ना फ्लावर का भी लगाया हुआ है, वहाँ पर शायद मैंने शूट नहीं किया, बहुत सुंदर था। यहाँ से हमने लिए हैं कलर्स, 7 से 8 कलर हमने दोबारा से लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास रखे थे कलर। और अब ये देखिए इतना ज़्यादा रश, इतना ज़्यादा क्राउड, तो भी आपको नहीं लगेगा कि यार क्या करें,
मजा आ गया भाई मुझे तो इन सब में। हम लोग लगा के गए थे लाइट स्पार्क, वो कर गया पीछे से, मतलब हम एक्सटेंशन में लगा के गए थे और वो स्पार्क कर गया। और ये अभी लाइट भी नहीं जल रही है जो हम जला के गए थे यहाँ पर। मैं और पापा बाहर गए थे अभी सामान लेने के लिए फिर से ना, तो वो जल ही नहीं रहा है अभी। शिट, लग रहा है कोई गड़बड़ हो गया यहाँ पर। हम लोग आ गए हैं घर, मोनी अभी बैठ के अपना बना ही रही है रंगोली। काफ़ी बना ली है उसने, काफ़ी अच्छी बनाई है, लेकिन अभी काफ़ी वहाँ पर मैस है पूरा। आपको दिख रहा है वहाँ पर काफ़ी सारा मैस है। हम लोग घर आ गए हैं और लेट काफ़ी हो गया। कह रही हूँ नाम से, नाम बोलिए, नाम बोलिए। एक हो गया पितरों के नाम का, ठीक है, एक हो गया भंडार घर के नाम का, एक हो गया तिजोरी के नाम का, एक हो गया और क्या था, नहीं यम का तो वो रहा ना, वो अलग है। एक बार देख लीजिए उसके नाम का, क्योंकि हम निकाल लेंगे, बोल देंगे ना नाम उनका हो जाएगा सबका। भाई तो जो दिया रहता है किस काम का रहता है? तो यहाँ पे आके बैठ, एक फोटो हो जाएगी हम दोनों। अच्छा, अकाल मृत्यु है, आ गया हो यही बोले, नहीं हो गया, अच्छा आ रहा है, बोलिए ना। जला देना फिर घर के मंदिर में, तो एक हो गया, एक घर का मंदिर हो गया, एक सेकंड, एक घर का मंदिर हो गया, घर के मंदिर को तो हमने जलाया हुआ है। हाँ वो जलाया, और धन्वंतरी देवता को, धन्वंतरी देवता, यम देवता को, यम देवता जी को, चित्रगुप्त जी को, और अच्छा, पितरों को घर के बीचों बीच, तुलसी के पास गौशाला में, पानी की टंकी है कुएं के पास, हाँ, छत पर बालकनी में दोनों किनारों पर, हाँ, भंडार गिरी रसोई में कुल देवता नाम, कुल देवता में कुल देवता का एक एक रह गया, तेरह होना चाहिए। एक मंदिर में रखा हुआ है, एक एक बड़ा वाला, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरह ही होना चाहिए, हो गया सबका ना। चलो सबके दिए जल गए। ये मैंने यम का अभी नहीं जलाया, वो रात को कर लेना, ठीक है, बाकी सबका कर लिया। तो सबके नाम हो गए, ये उन सबके नाम के दिए। बेडरूम के बालकनी में लगे, वहाँ आपको कपड़ा नहीं है ना, वहाँ रख दो। ठीक है, दो अपने बालकनी में। तो ये देखिए हमारा मंदिर सज गया है। हमने लाइटिंग आज दोबारा से इसको किया है, पहले हमारा दूसरा लाइटिंग था, अब ये दूसरा हमने किया है। रणधीर ने इसको नए तरीके से सजा दिया है, और कलर तो आपने देख ही लिया है, पिछले वाले व्लॉग में मैंने ये लाइट लगवाया, तो दो तीन कलर का लाइट है, तो कितना सुंदर लग रहा है। आशा करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में कुछ भी पसंद आता है, कुछ पूछना है, कुछ सजेशन देना है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आपका प्यारा सा कमेंट मुझे ज़रूर चाहिए। तो छोटी दिवाली के आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब इंजॉय करिए, खूब अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, मिठाइयां खाइए, पटाखे फोड़िए, बस यही आशा करता हूँ। धनतेरस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं लेट हो गई थोड़ा सा बोलने में, मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था, आँख के अंदर कुछ चले गया था जिसको कि मैंने रब कर दिया और मुझे स्वेलिंग आ गई, जिसकी वजह से मैं वीडियो ही नहीं बना पाई। अभी भी आपको दिख रहा होगा काफ़ी ज़्यादा है एक्चुअली, क्योंकि मैंने उसको रब कर दिया, कुछ था जो अंदर ही अंदर वो खींच गया, मुझे बहुत गंदा सा लगा तो मैं नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा चलो अभी रात तो हो गई है, सोने वाले हैं एक्चुअली, और 10:30 के ऊपर कितना टाइम हो रहा है नोनी, 10 बज रहा है, तो अब सोने जा रहे हैं। तो आप सबको धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएँ। कल दिवाली का दिन है, हमने तो आज मनाई है, जबकि धनतेरस कल भी था, आज भी है और कल दिवाली है।
लेकिन काफी जगह के ऊपर ना धनतेरस दो दिन था, मतलब कल भी था आज भी था, तो हमने आज वाली धनतेरस मनाई क्योंकि बॉम्बे में आज ज्यादातर मना रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने आज मनाई। खाना पीना सब हो गया, मेरे लिए स्वीट खाना था बड़ा अच्छा सा, तो मैंने सोचा एक बार धनतेरस की विश तो करनी ही चाहिए, चाहे जो भी हो, ये हमारा काम है, ये हमारी ड्यूटी है। जब हम लोग रेमेडीज शेयर करने आते हैं तो ये हमारा ड्यूटी बनता है कि हम आपको विश भी करें। तो इसी तरह से अपना प्यार बना के रखिए, चैनल के ऊपर बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, दिवाली को खूब धूमधाम से मनाइए। बाय बाय।